अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है, हमारे मुल्क में बारिशों की वजह से जो रहमत जो थी वो अब जहमत बन चुकी है। सिंध भर में फ्लड आ चुका है, घरों के अंदर पानी आ चुका है, कुछ घरों की दीवारें गिर गई, कुछ घर साथ ही बह चुके हैं। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मुझे ये वीडियो क्लिप्स मौसूल हुई थी, मेरे कुछ रिलेटिव भी वहाँ हैं तो उन्होंने मुझे वीडियोज़ दी थी। तो वीडियो लगाने का मकसद ये है कि आप सब जो है दुआ करें, बहुत ज़्यादा दुआओं की नीड है कि जो कोट जी और सिंध में जहाँ जहाँ सैलाब आया है, अल्लाह इन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कोई मेरे देखने जो इनकी मदद कर सकता है वो मदद पहुंचा सके। तो बस बहुत ही अफसोस के साथ मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। बहुत बुरे हालात हैं, उनसे बातचीत हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कहीं जो है 18 फिट पानी है, कहीं जो है 14 फुट पानी जमा है। तो अलग अलग हालात हैं, गाड़ियां स्टक हो चुकी हैं, घर की छतें गिर गई हैं, दीवारें, मतलब बहुत बुरे हाल हैं। बस दुआ की अपील है, बहुत ज़्यादा दुआओं की नीड है। अल्लाह तमाम रहने वालों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, सबकी जानों माल की हिफाजत करें। चीज़ें तो बन जाती हैं लेकिन जानों की हिफाजत करें। लेकिन जिस तरह से तबाही हुई है, दिल बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। बस दुआ करें और आगे लोग क्या बता रहे हैं उन्हीं की ज़बानी थोड़ी वीडियोस देखते हैं। सिंधी तो मुझे नहीं आती लेकिन जिनको आती है वो समझ सकते हैं और थोड़ी बहुत तो आई रही है तो अच्छे से देखें। सब घर वही रखो नहीं बच्चों मार पे हो जाए सिगेस का ठरी मेरा रोड दे मुकम्मल तौर तबाह थी हो इसी तरह को ऐसी मैं जो सजो भरजी हो पानी आने जमीन रोड का मथे तो वही वह तो पो एस नादरी नेता रही रहा हो तो ठरी मीरा खा सखर विंदर रोड ठरी मीरा खा जो सखर कराची नवाब शाह वही तो वो बरसाती पानी बाद मुकम्मल लुड़ी वो ये मानू बेयारो मददगार पर इंतजामिया गायब आ ऐसो तक आ रोड मुकम्मल लुड़ी वो तबाह थी मानू उन तरफ जहाँ होदे फासल उन तरफ होदे फासल पर इंतजामिया तरफा का भी उनकी परगो न। तो मैंने उनसे पूछा था रेस्क्यू टीमें वगैरह पहुंची या नहीं, तो उन्होंने ये क्लिप भेजी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू टीमें तो पहुंच गई लेकिन वो यहीं तक पहुंच पा रही है। आगे जो है बहुत बुरे हाल है, रोड टूट गए हैं, पुल गिर गए हैं, इमाम बारगाह पानी से भर गया, डूब गया है। तो बहुत बुरे हाल हैं, लोगों के घर टूट गए हैं। तो बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह गैप से मदद भेजे हर इन लोगों के लिए और अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। आमीन सुमा आमीन।